हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं बच्चों चार्ज के बारे में। चार्ज होता क्या है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी भी देखी थी हमने। चार्ज की डिस्कवरी किसने की थी, फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट था, और उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप से, ये हमारे फर्स्ट लेक्चर में हो चुका था। अब हम हमारी दो प्रॉपर्टी हो चुकी थी चार्ज की। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी बच्चों क्वांटाइजेशन और एडिटिव, ये आपकी दो प्रॉपर्टी हो चुकी है बच्चों चार्ज की। और थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। इट मीन्स चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जाम्पल, अगर चार्ज है बच्चों आपके पास वन कूलम, अगर मैं इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करवाऊं, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको नॉर्मल स्पीड से मूव करवाऊं, तो इसकी मैग्नीट्यूड है बच्चों चार्ज की चेंज नहीं होती। क्या वो इक्वल टू वन कूलम हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इस प्रॉपर्टी को कंजर्व्ड भी बोल सकते हैं बच्चों, या इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, जो वैल्यू चेंज ना हो, चाहे मैं इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करवाऊं या नॉर्मल स्पीड से मूव करवाऊं चार्ज को, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स। जैसे वन कूलम है तो आपका वन कूलम ही रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा सिस्टम। अब जैसे आपने प्लस वन में पढ़ा था m इक्वल टू m नॉट 1/√1 − v² / c², ये मास होता है बच्चों आपका, मास के लिए इक्वेशन होती है, रेस्ट मास होता है ये किसी पार्टिकल का मास, जब वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्या करने लग जाए, मूव करने लग जाए कोई पार्टिकल, ये v है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की, ये c किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में। जब v इक्वल टू c हो जाता है तब क्या डिफाइन करते हैं, m नॉट इक्वल टू 1 − v इक्वल टू c, v² / v² तो ये कैंसिल आउट, m नॉट इक्वल टू √1 − 1, 1 − 1 इक्वल टू 0, 0 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों 0, m नॉट डिवाइड बाय 0, ये क्या आ गया बच्चों अनडिफाइंड फॉर्म। मास क्या हो गया बच्चों, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करने लग जाए तो मास क्या हो जाता है, वेरी होने लग जाता है, लेकिन चार्ज की वैल्यू हमेशा, चाहे वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करवाऊं या नॉर्मल स्पीड से मूव करवाता हूं, तो हर टाइम उसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एट वोल्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एट वोल्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसका मीनिंग क्या हो, आपके पास चार्ज है जैसे Q1, Q2, Q3, Qn, ये बहुत सारे चार्ज हैं, तो Q नेट किसकी इक्विवेलेंट होगा बच्चों, इन टोटल चार्ज को क्या कर सकते हैं, सिंपली हम ऐड कर सकते हैं Q1 प्लस Q2 Q3 अप टू Qn, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, चार्ज को एडिशन कर सकते हैं। ये सिमिलरली आपको एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह दिखाई देगा, क्योंकि जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, और चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, स्केलर। चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, स्केलर। स्केलर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, ओनली इट कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड।
इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है बच्चों, डायरेक्शन नहीं होती। तो डायरेक्शन नहीं होती तो सिंपल क्या करेंगे बच्चों, इसको सिंपली ऐड कर देंगे। तो ये किसको होल्ड करेगा बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये आपकी प्रॉपर्टीज थी किसकी बच्चों, चार्ज की। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज। How to produce charges? हम चार्ज को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? इसके लिए आपके पास तीन मेथड है बच्चों, बाई फ्रिक्शनल मेथड, बाई कंडक्शन मेथड, थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड मेथड है बाई इंडक्शन मेथड। तो फर्स्ट मेथड है बच्चों बाई फ्रिक्शन मेथड, सेकेंड मेथड है बच्चों बाय कंडक्शन मेथड, थर्ड है बच्चों बाय इंडक्शन मेथड। तो ये तीन मेथड जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम फर्स्ट डिटेल में पढ़ते हैं फ्रिक्शनल मेथड। फर्स्ट है बच्चों फ्रिक्शन मेथड। जैसा कि आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है बच्चों फ्रिक्शन चैप्टर। फ्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है, जब दो बॉडी आपस में क्या हो, कॉन्टेक्ट में हो। क्या हो बच्चों, दो बॉडी कॉन्टैक्ट में, जब कॉन्टैक्ट में होती है एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ में, तो यहाँ पे क्या जरूरी है बच्चों फ्रिक्शन के लिए, कॉन्टैक्ट। फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है बच्चों कॉन्टैक्ट। तो मान लेते हैं आपके पास में क्या है बच्चों, कैस्पर, कैस्पर इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, बिल्ली की खाल। और सेकेंड है बच्चों आपके पास में ग्लास रोड, ये दो अलग अलग बॉडी है, पहले इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब क्या करेंगे, इस बॉडी को इसके पास में लेके आएंगे बच्चों, और साथ में क्या करेंगे, रब करेंगे। तो एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट होगा तो रब करेंगे। रब करेंगे तो बच्चों मान लेते ये पार्ट इसके साथ रब हुआ, यहां पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया और उतना ही नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये दो बॉडी हो गई अलग अलग, डिफरेंट बॉडी है बच्चों, दोनों पे चार्ज क्या होगा, अलग अलग पोलैरिटी का प्रोड्यूस होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज। तो ये कौन सा फिनोमेना होता है बच्चों, ये लोकल एक्शन फिनोमेना, लोकल एक्शन फिनोमेना। इट मीन्स इसका मतलब क्या बच्चों, जब बॉडी जितना इसके साथ कॉन्टैक्ट में होगी, जितनी बॉडी गिलास रोड के साथ में, उसी उसी बॉडी पे उतनी ही जगह पे क्या प्रोड्यूस होगा चार्ज। अदरवाइज अगर ये बॉडी किसके साथ में कॉन्टैक्ट में आई बच्चों, ये गिलास रोड के साथ, तो यहां पे कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जितना इसके साथ कॉन्टैक्ट में आएगा इसका सरफेस, वही वही पे चार्ज प्रोड्यूस होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगी बच्चों, दोनों की सेम मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस सेम, बट पोलैरिटी डिफरेंट। पोलैरिटी डिफरेंट का मीनिंग क्या बच्चों, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, दो अलग अलग बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस होंगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। जितना मैग्नीट्यूड मान लेते हैं यहाँ पे -3 कूलम प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हुआ बच्चों, 3 कूलम +3 कूलम। तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन पोलैरिटी क्या है बच्चों, अपोजिट। ये कौन सा मेथड है बच्चों आपका, बाई फ्रिक्शन मेथड। इससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों, चार्ज।
तो इसको आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास में एक बैलून है, बैलून के अंदर आप क्या इंसर्ट करोगे बच्चों, एयर। एयर डलने के बाद उसका साइज क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज। अब उसको क्या कर दो बच्चों, आप थ्रेड से उसके माउथ को क्लोज कर दो। अब मान लेते हैं बच्चों उस बैलून ने आपने उसको क्या कर दिया बच्चों, किसके पास में ले गए, बोर्ड के पास में। वो क्या उसके साथ चिपकेगा बच्चों, बोर्ड के साथ नहीं चिपकेगा, क्योंकि उसके पास अभी तक कोई चार्ज नहीं है, ना तो बोर्ड के ऊपर चार्ज है बच्चों, ना बैलून के पास में। अब आपके मान लेते हैं बच्चों आपके हेयर है वो क्या है, ड्राई। जब आप उस बैलून को आपके हेयर के साथ क्या करोगे, रब करोगे, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा बच्चों, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। चार्ज आने की वजह से बोर्ड, जब आप उस बैलून को किसके पास लेके आओगे, बोर्ड के पास में, तो बोर्ड उसको क्या कर लेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा बच्चों। तो अट्रैक्ट, क्योंकि चार्ज अट्रैक्ट भी कर सकता है बच्चों, रिपेल भी कर सकता है। मैंने बताया बच्चों लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। तो इसीलिए बैलून के ऊपर चार्ज आने से तो बोर्ड और बैलून में आपस में क्या होगी बच्चों, अट्रैक्शन, और वो क्या हो जाएगा बच्चों, चिपक जाएगा। पहले क्यों नहीं चिपकने लग रहा था बच्चों बोर्ड के साथ में, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। चार्ज कहां से आया बच्चों, क्योंकि हमने क्या किया उसको, हमारे हेयर्स के साथ क्या किया, रब किया। रब करने से उसके ऊपर क्या आ गया बच्चों, चार्ज जनरेट हो गया, और चार्ज प्रोड्यूस होने से, क्योंकि चार्ज लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, आप जब छोटी क्लास में होते थे देखते थे बच्चों, आप जब कोम्ब अपने हेयर्स में करते थे, उसके बाद जब उसको कोम्ब को नीचे लेके जाते थे फर्श के पास में, तो फर्श के पे डस्ट पार्टिकल होते थे, कोम्ब क्या करता था, उसको अटैक कर लेता था, क्योंकि हम ग्राउंड को टच नहीं करते थे, उससे ऊपर ही होता था, तो क्यों अटैक करने लग रहा है बच्चों कोम्ब। कोम्ब तभी अटैक करता है बच्चों जब उसके ऊपर चार्ज होगा, अदरवाइज चार्ज नहीं होगा तो क्या नहीं करेगा बच्चों, उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये भी किसका मेथड था बच्चों, डस्ट पार्टिकल को कैसे अटैक करता है कोम्ब, किसके वजह से, बाय फ्रिक्शन मेथड। सेकेंड मेथड है बच्चों बाय कंडक्शन मेथड। कंडक्शन में भी नेसेसरी है बच्चों कॉन्टैक्ट, क्योंकि फ्रिक्शन में भी कॉन्टैक्ट होना चाहिए दो बॉडी के बीच में, और यहां पर भी क्या होगा बच्चों, कॉन्टैक्ट। मान लेते हैं बच्चों ये आपके पास में एक इंसुलेटेड स्टैंड है, और इसके ऊपर क्या है बच्चों, एक मेटालिक स्पीयर, और एक सेकेंड मेटालिक स्पीयर है बच्चों। रेडियस दोनों का क्या है बच्चों, मान लेते हैं सेम। Here we assume metallic sphere A and B whose radius same, radius क्या है बच्चों, same है, और material भी क्या है बच्चों, उनका same, दोनों क्या है बच्चों, कंडक्टर। क्योंकि आपको पता है कंडक्टर क्या होते हैं, गुड कंडक्ट। कंडक्टर क्या होते हैं बच्चों, इट इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या जो चार्ज को क्या करें, कंडक्ट करें। और इंसुलेटर क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, आपने पढ़ा होगा बच्चों छोटी क्लासों में। तो यहां पे कंडक्टर है, और ये क्या है बच्चों, इंसुलेटेड स्टैंड, इंसुलेटेड स्टैंड। इंसुलेटेड स्टैंड होगा तो चार्ज इसमें से क्या क्या नहीं करेगा बच्चों, मूव नहीं करेगा।
तो मान लेते हैं इसके ऊपर आपने चार्ज प्रोड्यूस कर दिया बच्चों 5 कूलम, किसकी सहायता से? बाई फ्रिक्शन मेथड की। जैसे जब आप कैस्पर को किससे रब करोगे बच्चों, गिलास रोड के साथ, तो कैस्पर पे नेगेटिव चार्ज और इस पे मान लेते हैं गिलास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसके साथ कॉन्टेक्ट किया तो इसके ऊपर क्या जनरेट हो गया बच्चों 5 कूलम। अब दूसरी बॉडी थी बच्चों, ये भी मेटेलिक थी, इस पे हम मान भी सकते हैं इसके ऊपर कोई चार्ज था या नहीं था। तो मान लेते हैं बच्चों इसके ऊपर चार्ज था 3 कूलम, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, और बीच में क्या है बच्चों, ये एयर। एयर क्या होती है बच्चों, बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो बैड कंडक्टर होती है तो चार्ज नेवर बी फ्लो, चार्ज क्या नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा। हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में तभी फ्लो करता है बच्चों जब उसको क्या मिल जाए बच्चों, मीडियम। तो मीडियम किसकी वजह से मिलेगा बच्चों, हमें कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा बच्चों, मेटेलिक वायर से कनेक्ट किसके साथ कनेक्ट करेंगे बच्चों, इसको मेटेलिक वायर के साथ दोनों स्पीयर को क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट कर देंगे, टच कर देंगे। जब टच करेंगे तो बच्चों चार्ज क्या करेगा, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, चार्ज हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ क्या करता है बच्चों, मूव करता है। तो अब नेट चार्ज कितना प्रोड्यूस हो जाएगा बच्चों, इसमें दोनों चार्ज को क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो, और उसको किससे डिवाइड कर दो बच्चों, 2 से। तो इतना चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग वायर इसके ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, जनरेट हो जाएगा। यहां पर भी सेम चार्ज आ जाएगा बच्चों, 5 कूलम प्लस 3 कूलम डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 8 कूलम डिवाइड बाई 2 इंटू 4 कूलम, और इस पे भी कितना चार्ज आ गया बच्चों, 4 कूलम। जब चार्ज क्या हो गया बच्चों, सेम दोनों पे, तो इसका मीनिंग क्या, पोटेंशियल दोनों का क्या बच्चों, सेम। पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम होने के बाद चार्ज क्या नहीं करता बच्चों, फ्लो नहीं करता, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। तो इसमें क्या है बच्चों, किसके ऊपर डिपेंड करता है, जब सेम रेडियस होता है, जब सेम रेडियस अज्यूम करते हैं, सेम मटेरियल होता है, तो चार्ज क्या करते हैं बच्चों, दोनों चार्ज को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा आफ्टर कंडक्शन दोनों के ऊपर, समझ में आया बच्चों ये। अब डिपेंड करता है बच्चों रेडियस के ऊपर भी। सेकेंड एग्जाम्पल मान लेते हैं बच्चों, इफ सेकेंड केस, ये तो फर्स्ट केस था, सेकेंड केस मान लेते हैं, इफ रेडियस ऑफ बोथ मेटेलिक स्पीयर डिफरेंट, मान लेते हैं एक का रेडियस आर वन है बच्चों, सेकेंड का क्या है बच्चों, आर टू। मान लेते हैं बच्चों रेडियस आर वन है, और ये क्या बच्चों, इंसुलेटेड स्टैंड, और ये क्या बच्चों, ग्राउंड, और एक सेकेंड इंसुलेटेड स्टैंड है बच्चों। अब ये रेडियस क्या है बच्चों, इसका आर टू। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मान लेते हैं इसमें चार्ज क्यू वन है और इसमें चार्ज क्यू टू है, तो इसमें रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, डिवाइड होता है। तो आफ्टर कनेक्टिंग वायर तो क्या वन डैश, ये क्या है बच्चों, आफ्टर कनेक्टिंग वायर, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा, दोनों चार्ज को क्या कर दो बच्चों, आप ऐड कर दो, क्या वन प्लस क्या टू डिवाइड बाय सम ऑफ रेडियस, आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाई, जिसपे आप चार्ज फाइंड करना चाहते हो बच्चों उसका रेडियस से क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, नेट चार्ज ऑन फर्स्ट स्पीयर आ जाएगा बच्चों, सेकेंड स्पीयर पे आफ्टर कनेक्टिंग सिमिलरली क्या टू डैश, किसकी इक्वल हो जाएगा बच्चों, दोनों चार्ज का क्या करो बच्चों, सम करो, क्या वन प्लस क्या टू डिवाइड बाई आर वन
इनटू आर टू, दोनों रेडियस को क्या कर दो बच्चों, सम कर दो, इनटू जिस पे आप फाइंड करना चाहते हो तो आर टू से क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इसका मीनिंग ये नहीं है बच्चों, अगर चार्ज 5 कोलम 3 कोलम है तो हर केस में चार्ज 4 कोलम ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर सेम रेडियस है तो दोनों चार्ज का क्या वन प्लस क्या टू डिवाइड बाय टू कर सकते हैं, लेकिन अगर साइज क्या है बच्चों डिफरेंट, तो साइज डिफरेंट होगा, रेडियस डिफरेंट होगा, तो क्या होगा बच्चों, चार्ज भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि इसमें जरूरी है बच्चों पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए आफ्टर कनेक्टिंग वायर। तो ये आर वन है बच्चों, मान लेता हूं ये क्या है बच्चों आर टू, इस पे था बच्चों 5 कोलम, क्यू वन की वैल्यू मान लेते हैं और क्यू टू की वैल्यू मान लेते हैं बच्चों 3 कोलम, इसका रेडियस मान लेते हैं बच्चों आर वन इक्वल टू 2 मीटर और इसका रेडियस मान लेते हैं बच्चों आर टू इक्वल टू 1 मीटर, तो रेडियस क्या हुए बच्चों दोनों के डिफरेंट। आफ्टर कनेक्टिंग वायर, अगर जब कनेक्ट कर देते हैं तब आफ्टर कनेक्टिंग वायर चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर क्या वन डैश मान लेते हैं, तो अभी इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे उसे इस फॉर्मूले में पुट करें, क्या वन की वैल्यू कितनी है 5 कोलम, दोनों चार्ज को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय रेडियस है बच्चों दोनों के रेडियस का सम कर देंगे 2 मीटर प्लस 1 मीटर इनटू जिस पे हम चार्ज फाइंड करना चाहते हैं बच्चों उसके रेडियस से क्या कर देंगे बच्चों मल्टीप्लाई, तो रेडियस कितना बच्चों इसका 2 मीटर, तो 8 कोलम 5 कोलम प्लस 3 कोलम 8 कोलम डिवाइड बाय 2 मीटर प्लस 1 मीटर 3 मीटर इनटू 2 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 3 कोलम, ये चार्ज आया बच्चों क्या वन डैश पे, तो सिमिलरली चार्ज फाइंड करेंगे बच्चों क्या टू डैश पे, क्या टू डैश क्या है बच्चों, ये चार्ज है सेकंड स्पीयर पे आफ्टर कनेक्टिंग मैटेलिक वायर, तो दोनों चार्ज को क्या करेंगे ऐड करेंगे 5 कोलम प्लस 3 कोलम डिवाइड बाय सम ऑफ रेडियस 2 मीटर प्लस 1 मीटर इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों इसके रेडियस से, इसका रेडियस क्या बच्चों आर टू का 1 मीटर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा इक्वल टू 8 कोलम डिवाइड बाय 3 मीटर इनटू 1 मीटर, तो इसका मीनिंग क्या बच्चों दोनों की वैल्यू क्या सेम है, क्या वन डैश की वैल्यू और क्या टू डैश की नहीं है बच्चों सेम, अगर सेम रेडियस होता है तब तो चार्ज दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर रेडियस डिफरेंट है तब हम ऐसे सोल्व करते हैं बच्चे, ये क्या होता है रेडियस रेशो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है बच्चों, ये इसके अकॉर्डिंग चार्ज क्या होता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया उसके बाद चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो चार्ज दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, इसका मीनिंग ये नहीं है दोनों का चार्ज सेम सेम हो जाए, चार्ज सेम होने से पोटेंशियल सेम नहीं होता, पोटेंशियल सेम तभी होगा बच्चों जब इसकी वैल्यू और इसका रेडियस दोनों के प्रोडक्ट, आगे पढ़ेंगे बच्चों पोटेंशियल के बारे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, अभी देखा बच्चों चार्ज सेम होने से पोटेंशियल सेम नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है और चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो बाई कंडक्शन मेथड में क्या करते हैं बच्चों, क्या पढ़ा आपने कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट होगा चार्ज कहां से कहां मूव करेगा बच्चों हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, कब तक फ्लो करेगा बच्चों जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब पोटेंशियल सेम हो जाता है तो उसके बाद क्या चार्ज की मूवमेंट रुक जाती है, तो इसमें कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं बच्चों आप, फर्स्ट है बच्चों कॉन्टैक्ट,
नेसेसरी है बच्चों, तभी चार्ज मूव कर सकता है हाई कंसेंट्रेशन से। सेकंड पॉइंट, चार्ज मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। Until जब तक क्या ना हो जाए, क्या ना हो जाए बच्चों, जब तक सेम पोटेंशियल इज नॉट एक्वायर्ड बाय बोथ बॉडीज। जब तक दोनों बॉडीज में चार्ज फ्लो करेगा बच्चों, जब तक पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, दोनों का सेम नहीं होता। ये पढ़ा है बच्चों आपने बाय कंडक्शन मेथड। थर्ड मेथड पढ़ेंगे बच्चों आप, थर्ड मेथड है बाय इंडक्शन मेथड। जैसे आपने दोनों मेथड पढ़े थे बाय फ्रिक्शन और बाय कंडक्शन, उन दोनों मेथड में क्या जरूरी था बच्चों, कॉन्टैक्ट। और यहां पे क्या हुआ बच्चों, विदाउट टचिंग। वहां पे कॉन्टैक्ट नेसेसरी था, यहां पे नॉन कॉन्टैक्ट से काम चल जाएगा बच्चों। मान लेते हैं आपके पास में एक क्या है, मेटेलिक स्पीयर, और ये किसके ऊपर है बच्चों, ये इंसुलेटर स्टैंड, ये इंसुलेटर स्टैंड है। अब आप इसके पास कोई चार्ज बॉडी लेके आते हो, मान लेते हैं ये क्या है बच्चों, गिलास रोड। जब गिलास रोड के ऊपर बिल्ली की खाल से क्या करते हैं, रब करते हैं, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है बच्चों, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या था बच्चों आपका, मेटल। मेटल क्या होता है बच्चों आपका, गुड कंडक्टर होता है। लेकिन इसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये क्या होती है बच्चों, न्यूट्रल बॉडी। अब जब हम इलेक्ट्रोस्कोप से चेक कर सकते हैं बच्चों टेस्ट चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं, जब गोल्ड फॉइल क्या नहीं करेगी बच्चों, मूवमेंट नहीं करेगी, इसका मीनिंग इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके पास में कोई चार्ज बॉडी इसके पास में लेके आएंगे, लेकिन इसको क्या नहीं करेंगे बच्चों, टच नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव लाइट चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पे क्या आ जाएंगे बच्चों, इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इस साइड कौन से हो जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट। तो इनकी क्या हो जाएगी बच्चों, पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों, इसके अपोजिट सरफेस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ओवरऑल क्या बॉडी थी बच्चों, ये न्यूट्रल। सेकेंड स्टेप, ये गिलास रोड थी और ये क्या था बच्चों आपका, मेटेलिक स्पीयर। इस पे चार्ज आ गया बच्चों, ये नेगेटिव, ये कौन सा चार्ज होता है बच्चों, बाउंड चार्ज। और मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, बाउंड चार्ज नेवर बी फ्लो। तो ये चार्ज क्या नहीं करेगा बच्चों, मूव नहीं करेगा। तो ये जो फ्री चार्ज है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, तो ये फ्री है, तो ये मूवमेंट कर सकता है। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने से पता है बच्चों, अर्थ क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है, किसकी बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर चला जाएगा बच्चों, अर्थ के अंदर।
तो ये न्यूट्रल, ये अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे बच्चों इसको, ये पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर चले गए बच्चों, अर्थ के अंदर। तो यहां पे चार्ज कौन सा था, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या था बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रोड थी आपके पास में, और ये इंसुलेटेड स्टैंड। क्योंकि ये चार्ज क्यों नहीं अर्थ के अंदर गया, क्योंकि ये क्या था बच्चों, बाउंड था, बाउंड चार्ज नेवर बी फ्लो। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको आपकी जो रोड थी इसको क्या कर देंगे बच्चों, इसको मूव अवे ले जाएंगे, तो अब बॉडी के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था बच्चों इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सरफेस है बच्चों स्फेरिकल, तो यूनिफॉर्म है, तो चार्ज क्या हो जाएगा इसके ऊपर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो आपने कौन सा चार्ज क्रिएट कर दिया बच्चों इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज विदाउट टचिंग। तो ये कौन सा मेथड था बच्चों आपका, इंडक्शन मेथड। तो सिमिलरली हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आएंगे इसके पास में, नेगेटिव, नेगेटिव कब प्रोड्यूस हो सकता है बच्चों, जब जब आप एबोनॉइड, एबोनॉइड के रोड होती है बच्चों, एक मेटल होता है एबोनॉइड, उसकी रोड पे जब क्लोथ, सिल्क का जो क्लोथ होता है उसके साथ रब करते हैं, एबोनॉइड रोड को किसके साथ रब करते हैं बच्चों, सिल्क क्लोथ के साथ, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है बच्चों, पॉजिटिव, और इसके ऊपर किस, कौन सा चार्ज आ जाता है बच्चों, नेगेटिव। तो अब नेगेटिव एबोनॉइड के रोड लेके आएंगे, तो इसका सिमिलरली हम दोबारा स्टेप करके देखते हैं बच्चों कैसे प्रोड्यूस होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया बच्चों एबोनॉइड रोड को किसके साथ रब करते हैं, सिल्क क्लोथ के साथ, एबोनॉइड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव, किस मेथड से, बाई फ्रिक्शन मेथड से। तो अब मान लेता हूं ये किसकी थी, एबोनॉइड रोड थी, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, नेगेटिव, ये क्या था, मेटेलिक स्पीयर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि बच्चों ये मेटल क्या होता है, न्यूट्रल होता है नॉर्मल स्टेट पे, तो जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है बच्चों इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, लाइट चार्ज रिपेल इच अदर, अनलाइट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। तो ये नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा बच्चों, अपने पास पॉजिटिव को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे बच्चों, ये गिलास, गिलास रोड नहीं है बच्चों, कौन सी रोड है बच्चों, ये एबोनॉइड रोड, ये मेटेलिक स्पीयर, ये इंसुलेटेड स्टैंड। तो यहां पे कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अब क्या कर देंगे बच्चों, इसको अर्थिंग कर देंगे, अर्थिंग करेंगे तो ये चार्ज किस में मूवमेंट कर जाएगा बच्चों, ये अर्थ में, अर्थ क्या है, गुड कंडक्टर है, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, मूवमेंट कर जाएगा किस में, अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में देखेंगे ये क्या है बच्चों, बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज नेवर बी फ्लो, यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज और ये एबोनॉइड रोड, अब इसको क्या कर देंगे बच्चों, मूव कर देंगे, इनको सेपरेट कर देंगे नेक्स्ट टाइम में, और ये चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी, अब ये पॉजिटिव चार्ज किसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो अब हमने क्या जनरेट कर दिया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया किसके ऊपर बच्चों, मेटेलिक स्पीयर पे। ये कौन सा मेथड था बच्चों आपका, इंडक्शन मेथड। आपने तीन मेथड पढ़े हैं बच्चों, बाई फ्रिक्शन मेथड, उसमें क्या होता है, रब करते हैं एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ, एक बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरी बॉडी पे आता है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होती है दोनों की, सेम।
तो जैसे उसका एग्जांपल दिया था कैट्सफर का और गिलास रोड का, जो आपकी गिलास है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है बच्चों, गिलास रोड पे पॉजिटिव और कैट्सफर पे नेगेटिव। सिमिलरली एबोनॉइड रोड को सिल्क क्लॉथ से क्या करते हैं बच्चों, रब करते हैं, तो सिल्क क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आता है बच्चों, पॉजिटिव, और उस पे क्या आता है बच्चों आपका एबोनॉइड रोड पे नेगेटिव। तो ये था बच्चों फ्रिक्शन मेथड। उसके बाद पढ़ा बच्चों आपने कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में क्या देखा बच्चों आपने, तो उसमें टचिंग जरूरी थी, दो बॉडी थी, एक पे चार्ज प्रेजेंट था बच्चों, दूसरी बॉडी पे चार्ज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, किसके चार्ज कम मूव कर सकता है बच्चों, जब वो आपस में क्या हो बच्चों, टचिंग हो, जब विदाउट टचिंग चार्ज मूव नहीं कर सकता एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो कंडक्शन मेथड में पढ़ा बच्चों आपने चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, चार्ज कहां से हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर मूव करता है, कब तक मूव करता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, तो सेम रेडियस होता है तो चार्ज क्या हो जाता है बच्चों, दोनों चार्ज को ऐड करो टू से डिवाइड कर दो, अगर रेडियस डिफरेंट है तो बच्चों रेडियस मास डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है बच्चों, सोल्व करना है। अगर अलग बॉडी है अलग रेडियस है तो चार्ज अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, दोनों बॉडी का सेम, जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक चार्ज क्या करता है बच्चों, मूव करता है। फिर थर्ड मेथड बताया बच्चों आपको इंडक्शन। इंडक्शन में क्या नहीं होता बच्चों, टचिंग नहीं होती, विदाउट टचिंग, ये आपको स्टेप्स दिखाई दे बच्चों दोनों, जब आप ग्लास रोड लेके आते हो किसी मेटेलिक स्पीयर के पास में तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है बच्चों, नेगेटिव, जब उसके पास एबोनॉइड रोड लेके आते हो मेटेलिक स्पीयर पे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाता है बच्चों, पॉजिटिव। ये पढ़े बच्चों आपने हाउ टू प्रोड्यूस चार्जेस। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों कूलम्स लॉ के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियोस।